नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूनेशन में। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा हड़कंप है अफगानिस्तान में। क्योंकि आज जो भी तालिबान ने किया है वो अफगानिस्तान के लोगों की आजादी छीनने वाला है। बता दूं, अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान के कब्जे का दावा सामने आ चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जे का दावा किया है। ये तालिबान के लिए एक बड़ी जीत भी हो सकती है। ये शहर कभी तालिबान का गढ़ हुआ करता था, साथ ही एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर भी यह रणनीतिक रूप से अहम है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है कि कंधार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ते तालिबान ने गुरुवार को कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा कर लिया। इसमें गजनी, हेरात और अहम शहर जैसे कई अहम शहर जो हैं वो शामिल है। बता दूं, 20 सालों के अभियान के बाद अमेरिकी और नेटो सेना के जाने से अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। वो अफगान सुरक्षा बलों को हराते हुए राजधानी काबुल के नज़दीकी शहर तक पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका ने यह कहा कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकालने में मदद के लिए 3,000 सैनिकों को फिर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए थोड़े समय के लिए 600 सैनिक भेज रहा है। काबुल में ब्रितानी दूतावास में काम करने वाले स्टाफ की संख्या पहले से ज़्यादा काफ़ी घट गई है। बता दूं, इस तरह से अफगानिस्तान गजनी और हेरात समेत कई बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो जाने से ही काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण बढ़ता जा रहा। तालिबान ने गुरुवार को अफगानिस्तान के गजनी और हेरात शहरों पर कब्जा कर लिया। तालिबान का हमला शुरू होने के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण कब्जा माना जा रहा है। रणनीतिक रूप से अहम गजनी के कब्जे में आने से तालिबान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने की संभावना बढ़ गई है। गजनी राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये प्रमुख काबुल कंधार मोटरवे पर स्थित है। ये मोटरवे दक्षिण में चरमपंथी गढ़ों से काबुल से जोड़ता है। शहर में प्रांतीय परिषद के एक सदस्य ने बीबीसी को बताया कि तालिबान के अधिकतर केंद्रों पर कब्जा जमा लिया है। केवल बाहरी इलाकों में एक पुलिस बेस बचा है जो अफगान सुरक्षा बलों के नियंत्रण में, बाकी हर जगह तालिबान ने अपना झंडा गाड़ दिया है। वहीं दूसरे बड़े शहर कंधार में भी भीषण लड़ाई चल रही है। कंधार में भी कत्लेआम शुरू हो चुका है और वहां पूरी तरीके से तालिबान कब्जा करना चाह रहा है और अभी दावा किया जा चुका है। तालिबान ने दावा कर दिया है कि हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और नाटो की अफगानिस्तान से हो रही वापसी के साथ तालिबान चरमपंथी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कई इलाकों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। तालिबान ने अब देश के एक तिहाई शहरों और उत्तरी अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चरमपंथी अफगान सुरक्षा बलों को हराते हुए अपनी बढ़त बना रहे हैं। इस बीच हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। वो जान बचाने के लिए राजधानी काबुल की तरफ भाग रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। ये पूरा का पूरा मामला था। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।